अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे हमने अपनी कैट की सर्जरी करवाई है। ये दो दफ़ा प्रेग्नेंट हुई थी और इसके बेबी भी माशाल्लाह से 7 बेबी थी इसमें। अभी हम चाह रहे थे इसके आगे और बेबीज़ ना हो, इस वजह से हमने इसे न्यूट्रल करवा दिया है। और यहाँ पर अभी इसको लेकर आए थे, पहले तो ये भी होश थी, फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता से होश आया। अभी इसका दिमाग यानी कि काम कर रहा है, आँखों से देख रही है, सुन रही है, लेकिन अभी इंजेक्शन पैरालाइज हुई हुई है इंजेक्शन की वजह से, दवाइयों के ज़ेर असर है अभी। यहाँ पे मैं इसे प्यार कर रही थी, इसका सर उठा रही थी, लेकिन ये हरकत नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे ये कढ़ाई मंगवाई है और ये रोगनी नान और ये जो सादे नान है। चेक करेंगे फिर बताती हूँ कि क्या है, किस तरह की है। गर्मा गर्म लग तो यमी रही है, टेस्ट वाइज देखते हैं कैसी होती है। यहाँ पर हम खाना खा रहे थे, कढ़ाई वाकई बहुत मज़े की बनी हुई थी, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था और सबसे अच्छी बात की गर्म गर्म थी और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई, खाने में भी बहुत मज़ा आया। और अब यहाँ पर खाना खा कर हमें जैनी को लेकर जाना था एंटीबायोटिक लगवाने के लिए। और जी यहाँ पर हम आ गए थे जैनी को लेकर हॉस्पिटल और यहाँ पर इसका चेकअप वगैरह कर रहे थे। इसके स्टिचेस वगैरह हैं तो कह रहे थे कि इसको जंपिंग वगैरह ना ज़्यादा करने देना, एक हफ़्ता यानी कि इसको थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, इसके स्टिचेस ओपन हो गए तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर मैं आई थी बाहर जैनी की ट्रीट लेनी थी तो वो देख रही थी। यहाँ पर जेली फूड और कैट फूड, डॉग्स फूड, हर तरह की यानी कि चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। हॉस्पिटल में भी काम हो रहा है, कबर्ड वगैरह या शायद कोई रूम वगैरह बना रहे हैं। जैनो, और अब यहाँ पर मैंने कहा था कि तहजीब चलते हैं, वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं और फिर घर जाते हैं। तो हस्बैंड यहाँ पर मुझे यहाँ पर मेन्यू देख रहे थे, फिर मेरा तो पहले से ही माइंड बना था कि मैंने आइसक्रीम खानी है। हस्बैंड चाह रहे थे कि वो शेक ले लें, लेकिन फिर बाद में उनका माइंड चेंज हो गया और उन्होंने लस्सी ले ली मैंने, वो भी मैंने ट्राई की, काफ़ी यम्मी थी। और यहाँ पर ये मेन्यू सही नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पर हमारी आइसक्रीम आ गई थी और यहाँ पर हस्बैंड और मैं ट्राई कर रहे थे, अरे गर्मी हो और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, अरे मज़े। ये टूटी फूटी थी और रोस्टेड आलमंड की भी दो फ्लेवर थे और काफ़ी मज़े थी। आइसक्रीम तो एक ही सबको बहुत पसंद होगी। और यहाँ पे अब हम वापस जा रहे थे, ये हम आगे गाड़ी में और ये हस्बैंड की लस्सी और मेरी आइसक्रीम।